और ये धर्म जो यज्ञशाला में संपन्न होता था वो युद्ध के मैदान में, योग जो गिरी गुफा में संपन्न होता था वो गीताकार ने युद्ध के मैदान में कर्म योग बना दिया। तो गीता में कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ईश्वरीय विद्या है, जीव विद्या है, ब्रह्म विद्या है, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहने की विद्या है, और प्रारब्ध की परिस्थितियों के सिर पर पैर रख के अपने आत्म सुख को जगाने की विद्या गीता में। गीता गोविंद अथवा तो गीता गंगा और गाय, इन तीन का अगर ठीक से फायदा ले तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और बुद्धि में भगवान प्रकट हो जाएंगे। और सारे मजहब अपने मजहब के फैलावे में लगे हैं कि दूसरे धर्म वालों को, हिंदुओं को ईसाई बनाओ, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ और जाति वालों को अपने मजहब में लाओ। लेकिन भारतीय संस्कृति एक ऐसी ऊंचाई की नजरिया देती है कि अपना मजहब बनाने की अपेक्षा अपने सृष्टिकर्ता को और अपने जीवत्व को पहचानो। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, लेकिन आत्मा अबदल है, परमात्मा अबदल है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा चेतन स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। ऐसे ये जीवात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। शरीर में कुछ भी होता है तो इस चैतन्य को ही ज्ञान होता है। जीवात्मा चेतन स्वरूप है, हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, लेकिन हमारे चैतन्य स्वभाव को पता मैं ही हाथ है। और आनंद स्वभाव की तरंग से खुशी होती है। तो आत्मा है सत्य चित्त आनंद स्वरूप और परमात्मा भी है सच्चिदानंद। तो श्रीमद् भागवत में आता है श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, सत्य उसको बोलते जो पहले था अभी है बाद में रहेगा। जो चेतन है, जड़ को पता नहीं मैं जड़ हूं, पत्थर को पता नहीं मैं पत्थर हूं, एक तकिए को पता नहीं मैं तकिया हूं, केबिन को पता नहीं मैं केबिन हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं हूं। हाथ को पता नहीं है, मेरे को पता है मैं हूं। तो हम सत भी हुए, चेतन भी हुए, और खुशी हमारे आत्मा से। आंख अच्छा देखते लेकिन खुशी तो आत्मा से ही प्रकट होती। कान सुनते हैं तो खुशी तो हृदय से ही होती। जीव बढ़िया खाए फिर भी आनंद तो हृदय में ही होता है। तो हमारा आत्मा सच्चिदानंद है और परमात्मा का आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू मेरा वंशज है। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवभूत सनातन। वे तो हमारे से भी ज्यादा जानते बच्चे। चलो आगे बढ़ो। क्या है? ममैवांशो जीवलोके बच्चे हैं, और स्कूल के बच्चे ऐसे बताओ आप, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। फिर
विमुडा जो वीआईपी कोटा के मूर्ख है उसको बोलते हैं वी उपसर्ग है, जो संसार में सुख खोजते हैं शराब कबाब में चोरी ठगी बेईमानी करके ऐश करने में जो सुख खोजते हैं, ऐसे लोग नश्वर माया में उलझे हैं, उनको भगवान ने मीठी गाली दी विमुड्ढा वीआईपी कोटा के मूर्ख। विमुड्ढा रावण वीआईपी कोटा के है। विमुड्ढा नानुपश्यन्ति, विमुड्ढ लोग मुझ आत्मा को नहीं जानते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, गुरुओं के चरणों में जाकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते विचारते फिर मुझे जान लेते हैं। विमुड्ढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये औषधियों को पुष्ट करने वाला कौन हूं? ये सोमो भूतवा रसात्मक, चंद्रमा में जो औषधि पुष्ट करने की सत्ता है वो मुझे आत्मा की। ऐसे ही ये शरीर में खून चलाने की, अन्न में से रस बनाने की सत्ता वो मुझे आत्मा की है। पृथ्वी में पेड़ पौधों को उत्पन्न करने की सत्ता है वो आत्मा परमात्मा की है। पूषणा बीच औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मक। अच्छा, पचामि अन्नम चतुर्विधम, चार प्रकार का लेह पेय खाद्य चुष्य ये जो भी अन्न है वो हम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणपान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। तो ये जो अन्न हम खाते हैं उसको पचाने की सत्ता भी मैं ही देता हूँ, मैं ही पचाता हूँ। तो ऐसे भगवान कितने निकट हैं, और वो ही भगवान जो सर्व में है सर्व रूप में है वो ही वंशीधर होकर प्रकट भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कि बंशीधर होकर प्रकट हुए तो बाकी की जगह खाली पड़ी है, नहीं। जैसे समुद्र में कोई बड़ा तरंग उत्पन्न हो जाए तो क्या बाकी का पानी गायब हो जाता है क्या? नहीं। इसलिए बोलते ओम नमो, ओम माना अखिल ब्रह्मांडों में व्याप्रय सच्चिदानंद, उनको हम नमन करते। नमो भगवते, अनेक भगवानों का अवतार बन जाते हैं, गणपति शिव कृष्ण राम जी वामदेव वामन भगवान नरसी भगवान। तो ओम नमो भगवते वासुदेव, कई भगवानों के अवतार होते हुए भी सब में ज्यों त्यों ज्यों के त्यों बसे हैं। ऐसे परमात्मा का ज्ञान जो हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति में है ऐसा दुनिया के किसी मजहब में ये ज्ञान नहीं है। बिस्त मिलेगा, हूरे मिलेगी, शराब के चश्मे मिलेंगे मर जाने के बाद, ऐसी बात तो मिलती है और मजहबों में। वो आपको भगवान को प्रार्थना करेंगे गॉड को और आपको बिस्त दे देंगे, स्वर्ग दिला देंगे, पैराडाइज ले जाएंगे, ऐसी बातें तो मिलती है। लेकिन वो भगवान सच्चिदानंद है और प्राणी मात्र का परम हितेशी और सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ ऐसा जो जानते हैं उन्हें आत्म शांति मिलती है। कैसे सुहृद है कि हम अच्छा काम करते तो हमारी बुद्धि में बल बढ़ता है, हमारे बुद्धि को बलवान बनाते हैं, ज्ञानवान बनाते और प्रसन्नता देते। अगर हम बुरा काम करते हैं तो धड़क 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 पैदा कर देते हैं, मैं लंकापति रावण हूं, यक्ष गंधर्व किन्नर मुझसे डरते हैं,
ऐसा रावण भी जब सीता अपहरण करने के लिए साधु वेश धारण करके गए तो जरा सा पेड़ का पत्ता हिलता है तो रावण डरता है। तो भगवान का एक नाम है भय कृत भय नाशना, भय देने वाले और भय को नाश करने वाले। आप बुरा काम करते तो भगवान अंदर भय पैदा कर देते और अच्छा काम करते अथवा उसे प्रार्थना करते तो भय नाश भी हो जाता है। वे बलराम जी है समिति के अध्यक्ष कानपुर के। बड़ी अशांति हो गई थी घर पे कानपुर में, बड़ा सूचता नहीं था, बड़ी बेचैनी हो गई थी। बोला चलो सत्संग में, इधर आते ही बड़ा अच्छा हो गया अशांति। तो मोह माया को सच्चा मानते तो अशांति भी देते हैं, उसमें न फंसो, और जब सत्संग में आते तो भगवान शांति भी देते हैं। तो श्री कृष्ण वसुदेव देव की के यहाँ आए तब से ही वो भगवान है, उसके पहले नहीं थे क्या? अरे वसुदेव देव की उनके पिता के पिता 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 माता के माता पिता 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 हजारों लगातार, उसके पहले भी भगवान थे। वेदों में भगवान के लिए वो नाम आता है कर्षति आकर्षति दी कृष्ण, जो सबको कर्षित कर दे आकर्षित कर दे आनंदित कर दे, वो सर्वव्यापक सर्वकांतरात्मा परमात्मा का नाम कृष्ण है, वो ही सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम नमः। आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीन प्रकार के ताप होते, दुख मानसिक दुख प्राकृतिक दुख आदि भौतिक दुख। बरसात आया अकाल पड़ा आदि दैविक दुख, ग्रह बाधा हो गई आदि दैविक प्रकोप हो गया, और मानसिक अशांति बेटा नहीं मानता घर में ऐसा है ये ऐसा है वो ऐसा है टेंशन। ये तीनों प्रकार के तापों को हरने वाले भगवान है, इसलिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? भगवान हमारे सुहृद है, सुख देकर हमारा उत्साह बढ़ता बढ़ाते हैं, दुख और विघ्न बाधा देकर हमारे को पुरुषार्थी और संयमी बनाते हैं। इसलिए भगवान जो करते अच्छा करते हैं। बच्चे को माँ प्यार करती है, मिठाई खिलाती, कपड़े पहनाती, तभी भी माँ बच्चे का भला चाहती, और कभी कभी थप्पड़ मारती है, गर्म पानी से साबुन से स्नान कराती है, नाक दबोती है, रस्सी से हाथ पैर बांध देती है, तभी भी माँ बच्चे का भला ही चाहती है। ऐसे ही भगवान सुख देते तो भी हमारा भला करने के लिए, और दुख और विघ्न देते हैं तो हमारा साहस और वैराग्य बढ़ाने के लिए। हरि ओम। हम उनकी शांति में, उनकी प्रीति में, उनकी प्रेमा भक्ति में पावन हो रहे हैं। वासुदेव शांति दाता, प्रीति दाता, माधुर्य दाता, कृष्णा गोविंदा गोपाला माधव मुरली मनोहरा इष्ट देवा प्रीति देवा ज्ञान देवा आनंद देवा अंतर्यामी देवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। प्रीति देवा।
माधुर्य देवाय, आनंद देवाय। वासुदेवाय, प्रीति देवाय, आनंद देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय। ओम शांति, ओम आनंद, ओम माधुर्य, ओम सच्चिदानंद प्रभु। ओम 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 शक्तिदाता, ओम 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 साहसदाता, ओम 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 आनंददाता, ओम 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 बुद्धिदाता, ओम 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 माधुर्यदाता, हरि ओम ओम। जनरेटर घूमता है तो बिजली बनती है, ऐसे भगवान के नाम की पुनरावृत्ति से एक प्रकार की ऊर्जा बनती। फिर दोनों हाथ ऊपर करके हास्य करने से पेट और छाती के बीच डायफ्राम आंदोलित होता है, जिससे हमारी रस वाहिनियों में और सात्विक ओरा में बढ़ोतरी होती है। तो स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन जीने में हर कोई व्यक्ति सफल हो सकता है। पैसे से पकवान मिल सकते हैं, लेकिन भूख तो सुखी जीवन से ही पैदा होती है। पैसों से महल, एयर कंडीशन और पलंग सजाए जाते, लेकिन नींद तो परमात्मा के प्रसाद से आती है ना। पैसों से नौकर चाकर मिल सकते, लेकिन स्नेह तो सत्संगियों के द्वारा होता है, ठीक है ना।